हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मॉपट्रिक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ एंड्रॉइड हैक्स के बारे में, कुछ ऐसे अमेजिंग एप्स के बारे में जिससे आप अपने मोबाइल में बहुत सारे अमेजिंग काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर्स के बारे में जानने के लिए लास्ट तक का ये वीडियो देखते रहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फीचर है वो है फिंगरप्रिंट क्विक एक्शन। दोस्तों अभी तक आपने फिंगरप्रिंट का यूज़ किस में किया है? मोबाइल को सिंपली ऑन करने के लिए, अगर आपका मोबाइल ऑफ है तो सिंपली ऑन करने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज़ किया होगा। लेकिन दोस्तों इस ऐप की वजह से आप फिंगरप्रिंट से मोबाइल को ऑफ भी कर सकते हैं, और ये खास बात यह है कि बिना रूट के ये काम करता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो सिंपली अगर आपने सेट कर दिया तो इसके बाद देखिए मोबाइल को आप फिंगरप्रिंट के साथ ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर लगता है मुझे, तो फिंगरप्रिंट के साथ ऑन ऑफ करना। तो नेक्स्ट जो हमारी अमेजिंग ऐप है वो है टास्क बार। दोस्तों ये देखिए आप स्क्रीन पे एक टास्क बार बना सकते हैं, मतलब आपने जो भी ऐप्स यूज करना चाहते हैं उसके हिसाब से। और खास बात यह है कि ये किसी भी स्क्रीन पे काम करता है, मतलब आप अगर सर्चिंग कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, किसी भी स्क्रीन पे एक टास्क बार की तरह काम करता है। आप उधर से डायरेक्टली कोई भी ऐप्स को ढूंढ सकते हैं और डायरेक्टली उस ऐप में जा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर है ये, आप अपने दोस्तों को अमेज कर सकते हैं। और इसकी और भी खासियत बता दूँ मैं आपको, इसको टास्क बार को आप स्क्रीन पर कहीं भी फिट कर सकते हैं। आप देखते हैं, देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको स्क्रीन में फिट करने के लिए। तो ये काफी ज्यादा सुंदर दिखता है और काफी अपने आपके मोबाइल को प्रीमियम लुक देता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। हमारा जो नेक्स्ट और अमेजिंग फीचर है वो है मल्टी एक्शन होम बटन। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि आप अपने स्क्रीन पर ही कोई एक होम बटन ऐड कर सकते हैं आपकी ये होम बटन के अलावा? जी हाँ दोस्तों, इस ऐप के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। और देखिए आपको इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप एक बार टाइप करेंगे तो बैक हो जाएगा, और इसके साथ ही आप अपने हिसाब से जो चाहें वो सेट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने सेट किया हो तो देखिए, अगर मैं उसको अगर एक बार सिंपली अगर ऐसा टाइप करता हूँ तो मैं बैक चले जाता हूँ। अगर ऐसे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो देखिए मेरा नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको डबल टाइप करूँगा तो मैं डायरेक्टली देखिए रिसेंट ऐप्स में चले जाता हूँ। तो देखिए इस तरीके के आप अमेजिंग फीचर यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों को अमेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला अमेजिंग ऐप है वो है ओसिमेनो लॉन्चर। तो दोस्तों ये ऐप मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगता है, क्योंकि इससे आप अपने ऐप्स को डांस करवा सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देखिए आप सारे ऐप्स अपने में ही डांस कर रहे हैं, देखिए अलग अलग तरीके से। तो इस तरीके से कुछ अमेजिंग फीचर का आप यूज कर सकते हैं और अपने दोस्तों को सरप्राइज कर सकते हैं, अमेज कर सकते हैं, और जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है देखने में। तो सिंपली आप ये एक लॉन्चर है, आप प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसको अपने डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर सेट कर लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा और आपके सारे ऐप्स डांस करने लगेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो अमेजिंग ऐप है और जिससे मिलता है हमको अमेजिंग फीचर वो है वॉल्यूम स्लाइडर। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल पे सिंपली फिंगर ऐसा स्लाइड कर रहा हूँ, देखिए मेरे मोबाइल की ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है। तो ये इस ऐप का कमाल है और इस टाइप के अमेजिंग फीचर से ये ऐप दे देता है। आप इससे अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने मोबाइल के मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और किसी भी स्क्रीन पे इसकी सबसे खास बात है कि किसी भी स्क्रीन पे आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो देखिए आप कितना मज़ा आएगा कि आप सिंपली कॉर्नर में ऐसा स्लाइड करेंगे, आपके मोबाइल का वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा और आपके मोबाइल का आपका जो ब्राइटनेस है आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये कुछ काम करता है, और कुछ इसके अमेजिंग फीचर्स आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग फीचर है ये। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और नेक्स्ट अमेजिंग फीचर की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फीचर है वो है ग्रेविटी गेस्चर। जी हाँ दोस्तों, आप ग्रेविटी का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम है, ये देखिए आप जैसे सिंपली अपने मोबाइल को चेक कर रहे हैं, आपका देखिए टॉर्च ओपन हो जा रहा है। तो इस तरीके के कुछ टास्क आप कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इसमें देखिए आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये देखिए आपको एक ट्यूटोरियल देखने को मिल जाता है जिससे आप सिंपली आपको मालूम पड़ सकते हैं कि आपको कैसे क्या करने का है। और इसके साथ ही आप इधर देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिससे आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हर एक सेक के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर टास्क सेट कर सकते हैं और उसका आप बेहतरीन यूज कर सकते हैं। एक ग्रेविटी का यूज करके आप बेहतरीन टास्क कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अमेजिंग फीचर लगता है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर लगता है मुझे, तो जो आपके दोस्तों को भी अमेज कर देगा। तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर है ये। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा अमेजिंग ऐप है वो है कॉर्नर फ्लाई। क्या दोस्तों आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन को कॉर्नर या फिर राउंडेड शेप में देखा है?
नहीं ना, तो इस ऐप के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं और किसी भी स्क्रीन पे आप ब्राउंडेड शेप का मजा ले सकते हैं और अपने दोस्तों को दिखा के उनका अमेज कर सकते हैं, सरप्राइज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक यूनिक फीचर के साथ आता है ये ऐप, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर है ये। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए मुझे वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा। और वीडियो अच्छा लगा तो बेशक एक लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करने में ज़रा भी कंजूसी मत कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसी नई नई टिप्स और ट्रिक्स लाते रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखिए, गुड डे एंड टेक केयर।